हेलो दोस्तों, एलवे क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, यानी कि जो दो समांतर धारावाही तार होते हैं इनके बीच लगने वाले बल के द्वारा ही हम लोग एम्पियर की परिभाषा भी ज्ञात करते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर ये भी बता सकते हैं एम्पियर की परिभाषा, यानी कि आप बता सकते हैं कि जो एम्पियर की परिभाषा है वो दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल से जो है दी जाती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एम्पियर की परिभाषा, यानी कि इसके द्वारा हम लोग यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा भी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया दो समांतर धारावाही तार। तो यहाँ पर दो समांतर धारावाही तार हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए एक तार ये मान लेते हैं और दूसरा तार ये हो जाएगा। इन दोनों तारों की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि अनंत है, इनफाइनाइट। ये पहला तार हो गया और ये दूसरा, इनकी लंबाई यहाँ पर अनंत है। इसको हम लोग मान लेते हैं पी क्यू और इसको मान लेते हैं आर एस, इतना हो गया। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम लोग मान लेते हैं आई वन और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम लोग मान लेते हैं I2। और ये दोनों तार जो है वायु या निर्वात में रखे गए हैं और इनके बीच की दूरी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं R है। दोनों तार जो है एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इस स्थान पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। ये क्रॉस चिन्ह ये बताएगा कि इस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज़ के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। और अगर कहीं पर ये पॉइंट लगा है तो इसका मतलब उस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज़ के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो ये आप लोग याद रखेगा। तो ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बी वन। इसी प्रकार यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं बी टू। अब सबसे पहले तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर इस पर आरोपित हम लोग बल ज्ञात करेंगे तो इस पर जो आरोपित बल होगा इस बिंदु पर इस प्रकार से, इसको हम लोग लिख सकते हैं F। इसी प्रकार इस बिंदु पर जो आरोपित बल होगा इसे भी आप मान सकते हैं F। इस बिंदु को यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं M और इस बिंदु को मान लेते हैं N। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें जो है बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाएगी। जो बल यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी दिशा आपको अंदर की ओर दिखाई दे रही है, तो बल की दिशा जो है यहाँ पर हम लोग दाएँ हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से ज्ञात करते हैं। दाएँ हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में होना चाहिए और चारों उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय बल की दिशा होती है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये धारा इस दिशा में है तो अंगूठा आपका इस दिशा में रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कागज़ के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, यानी कि इस ओर है। तो यानी कि इस प्रकार से हथेली होनी चाहिए, उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा जो है धारा की दिशा में। तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग हथेली से धक्का देंगे तो इस प्रकार से देंगे, तो यहाँ पर ये चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, धारा की दिशा तो उसी तरफ है लेकिन यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज़ के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, यानी कि बाहर की ओर है। तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से हथेली होनी चाहिए, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा होगी वो यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल की दिशा है ये हम लोग दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार ज्ञात करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको इस फिगर की सहायता से ही इसमें बताना है। आप इसमें बताएंगे कि माना अनंत लंबाई के दो सीधे तार पी क्यू व आर एस, याद रखिएगा पी क्यू व आर एस वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। इनमें क्रमशः I1 व I2 प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले तो आपको इस फिगर की सहायता से इतना लिखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे तार PQ के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, इसमें यह बताया गया है तार PQ के कारण, ये आपका तार PQ है, इस तार के कारण
हम लोग इस बिंदु M पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B1, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगी B1 बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका सूत्र μ0/2π इंटू होता है I/R। तो I की जगह पर हम लोग कितना प्रयोग करेंगे, I1, क्योंकि जो तार PQ है इसमें I1 प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा I1/R। इतना हुआ, इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद जो यहाँ पर ये RS तार है इसकी L लंबाई पर, क्योंकि इसकी लंबाई तो अनंत है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अब तार RS की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल। तो यहाँ पर जो ये तार RS है इसकी L लंबाई पर हम लोग यहाँ पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय बल के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे F बराबर, सूत्र होता है I B L sin थीटा। इतना होता है, ध्यान दीजिए चुंबकीय बल के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं I B L sin थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो तार है RS इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2, तो I की जगह पर इसमें लिखेंगे I2। इसके अलावा इसके स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1, तो इसकी जगह पर लिखेंगे B1। इसकी L लंबाई पर ज्ञात कर रहे हैं इसलिए L रहेगा। साइन थीटा, थीटा के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है लंबवत है, इसलिए यहाँ पर जो होगा 90 डिग्री, इतना प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए F बराबर I2 इंटू B1 का मान यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा μ0/2π इंटू I1/R इंटू L, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे F बराबर μ0/2π इंटू, इससे आप यहाँ पर लिखेंगे I1 इंटू I2 बटे में हो जाएगा R, ये I1 I2 और बटे में हो गया R इंटू कैपिटल L। इतना आ गया, यहाँ पर हम लोग बल ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। याद रखिएगा ये यहाँ पर जो है इसका मात्रक लिखा गया है, यानी कि न्यूटन। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है RS की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल ये हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग इसकी प्रति मीटर लंबाई पर बल ज्ञात करें तो यहाँ पर लिखेंगे अब आप, अतः तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, तो प्रति मीटर लंबाई पर ज्ञात करेंगे तो L यहाँ पर नंद जी इसके बट्टे में आएगा, यानी कि इसे लिखेंगे आप F/L बराबर हो जाएगा μ0/2π इंटू में हो जाएगा I1 I2/R। तो ये यहाँ पर जो है प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल हो जाएगा। अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि बटे में लंबाई आ गई, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये बल ज्ञात हुआ है ये तार RS पर आरोपित बल है। अब इसी प्रकार जो है आप तार PQ पर आरोपित बल ज्ञात कर सकते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार तार RS के कारण, यानी कि इस तार के कारण, जैसे हम लोगों ने अभी ज्ञात किया था यहाँ पर PQ के कारण, अब इस तार के कारण लिखेंगे, तो RS के कारण तार PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा F/L बराबर μ0/2π इंटू I1 I2/R, यहाँ पर भी उतना ही आ जाएगा, और इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये इतना हो गया, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि दोनों समांतर धारावाही तार जो है
वो एक दूसरे की समान लंबाई पर समान बल आरोपित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने प्रति मीटर लंबाई पर ज्ञात किया था और यहाँ पर भी हम लोगों ने प्रति मीटर लंबाई पर ज्ञात किया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यही आपको बताना है कि दोनों समांतर धारावाही चालक तार जो है एक दूसरे की समान लंबाई पर समान बल आरोपित करते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा, यहाँ पर अगर दोनों तारों में प्रवाहित धारा एक दिशा में है, जैसे कि ये तार और ये तार, दोनों में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा एक है, अगर दोनों में प्रवाहित धारा की दिशा एक ही होगी तो इसमें जो है आकर्षण बल लगेगा, और अगर यहाँ पर धारा की दिशा विपरीत है तो इन दोनों में यहाँ पर जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि अगर धारा की दिशा विपरीत है तो यहाँ पर जो है प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा, और अगर धारा की दिशा एक ही है तो यहाँ पर जो है आकर्षण बल आरोपित होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर मान लीजिए कि यदि I1 बराबर I2 बराबर I, यानी कि जो दो तार दिए गए थे आपको, अभी आपको बताया गया था कि एक तार PQ और दूसरा तार यहाँ पर था आर एस, इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी आई वन और इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी आई टू। तो अगर यहाँ पर आई वन और आई टू दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों तारों में जो है एक ही धारा प्रवाहित हो रही है और उसका मान कितना है आई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो फिर यही सूत्र आएगा आपका एफ बट्टे एल बराबर म्यू नॉट बट्टे टू पाई इंटू, यहाँ पर भी आई लिखेंगे, यहाँ पर भी आई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा फिर आई स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा आर, इस प्रकार से। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर मान लीजिए कि यदि आर यानी कि जो दूरी है दोनों तारों के बीच की, इसका मान यहाँ पर है एक मीटर, ये मान लिया गया। इसके अलावा जो धारा है उसका मान यहाँ पर है एक एम्पियर, तो यहाँ पर जो F बाई एल है नंद जी, इसका मान एक हो गया, इसका भी मान एक हो गया, यहाँ पर ये आया म्यू नॉट बटे टू पाई, इसका मान होता है दो गुणे दस के घात माइनस सात बल बटे लंबाई है, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर। तो आप ध्यान दीजिए, इसके अनुसार जो है आप यहाँ पर एम्पियर को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो आप बताएंगे इसमें कि एक एम्पियर, ध्यान दीजिए, एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित दो रिज रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर दो गुणे दस की घात माइनस सात न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो अब ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे एक एम्पियर, एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर एक मीटर दूरी पर स्थित दो रिज रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर दो गुणे दस की घात माइनस सात न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है एम्पियर की परिभाषा बता सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगी एक एम्पियर की परिभाषा। इसके अलावा आप इसमें नोट पॉइंट भी लिखेंगे। ध्यान दीजिए, पहला नोट पॉइंट तो आपको यही बताना है इसमें कि दोनों
धारावाही या फिर बोल सकते हैं दोनों समांतर धारावाही तार जो है एक दूसरे की समान लंबाई पर समान बल आरोपित करते हैं, इतना लिखना है। इसके अलावा आप बताएंगे कि यदि दोनों तारों में प्रवाहित धारा एक ही दिशा में है तो उनके मध्य जो है आकर्षण बल, इसके अलावा अगर धारा की दिशा विपरीत है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।